हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश और हमेशा आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया हुआ है वही कार फिर से एक बार लेके आया हूं एक फ्रेश वीडियो के साथ, टाटा पंच रिदम पैक वाली, जिसमें काफ़ी सारा अपग्रेडेशन करने का मौका मिलता है हम लोगों को। एज ए कस्टमर आप हम लोगों पर एक ट्रस्ट करते हो, वो हम लोग काम करके देते हैं। एज ए टाटा कंपनी ने जो हमें मेड इन इंडिया का एक खिताब दिया हुआ है और हर गाड़ी के अंदर अलग अलग मॉडल वाइज हम लोगों को प्यार दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा कि हमारे जो है 8000 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से हो गए। और अब बात करेंगे टाटा पंच एडवेंचर रिदम में हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है उसके बारे में। सो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा फ्रंट वे ऑफ द कार से। फर्स्ट टाइम इन वडोदरा डार्क ग्रे जो एडिशन कार आती है उसके साथ मैचिंग एमटेक के जीटी लाइन डिफ्यूज़र्स जो हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, वो ये टाटा पंच की आन बान और शान आजकल कहलाए जा रहे हैं। क्योंकि जो डिफ्यूज़र लगने के बाद जो टाटा पंच का एक मस्कुलर लुक आ रहा है, दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताना कि टाटा पंच जब आपने पहले देखी थी उसके बाद जब हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया तो कैसी लग रही है। और आप मेरा ये सेकंड एडिशन देख रहे हो, एक मैंने ब्लैक ब्यूटी एडिशन में भी ऐसे गार्ड लगाए हुए थे, लेकिन ग्रे में भी जो गाड़ी का कॉम्बिनेशन आ रहा है वन ऑफ द बेस्ट लुक आप लोगों को देखने को मिलता है। इस कार के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जैजी एक्सेसरीज़ नहीं किया। फ्रंट से आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपर DRL में पार्किंग बल्ब वाइट इंस्टॉल किए, वो भी मैं आपको ऑन करके दिखा दूँगा। हेडलाइट्स जो स्टॉक बल्ब आते हैं उसको रिप्लेस करके वाइट LED बल्ब इंस्टॉल किए हैं। फॉग लाइट कंपनी से नहीं आती है, हमने इंस्टॉल किए हुए हैं विद द हेलोजन बल्ब के साथ। और क्रोम कॉम्बो किट इंस्टॉल की हुई है जिसमें आप लोगों को हेडलाइट क्रोम मिलती है, साइड वे ऑफ द कार से मिरर क्रोम मिलता है और आपको हैंडल क्रोम मिलते हैं, हैंडल बाउल क्रोम, ताकि आपके नेल से स्क्रैच ना आए। और आप यहाँ पे रियर हैंडल बाउल देख सकते हो और टेल लाइट गार्निशिंग क्रोम देख सकते हो। लेकिन एक एक जो क्रोम लगने से जो डार्क गाड़ी के साथ जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट है। डिक्की पट्टी भी हमने प्रॉपर टाटा पंच के रियर प्रोफाइल ऑफ द कार को सेफ करने के लिए लगाई हुई है, ना कि खाली शो के लिए यहाँ पे बीच में लगा दी। प्रॉपर जो उसके एजेस होते हैं वो यहीं से कवर्ड होता है। और जो आपने आगे का गार्ड देखा उसके साथ फ्रंट के साथ रियर का ये जो कॉम्बो आता है ना दोस्तों, इससे आपकी गाड़ी को फ्रंट और रियर दोनों ही तरफ से प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, लेकिन एक जो ये डमी एग्जॉस्ट है, ये जो ग्रे कलर के स्ट्रिप्स है, सिल्वर मेटालिक फिनिश जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो टाटा पंच में इससे हैवी मॉडिफिकेशन कुछ हो ही नहीं सकता। और दोस्तों जब आप कार लेकर आते हो तो इस तरीके से हब आते हैं, सिर्फ हब कैप, उसको हमने निकाल के टाटा के जेन्युइन हमारे पास ऑन ऑर्डर पे मिल जाएंगे। ग्लॉस ब्लैक कलर के जो एरो डिज़ाइन आते हैं टाटा के ही जेन्युइन हमारे पास भी आपको मिल जाएंगे विद द टाटा के हब के साथ, वो भी हमारे पास अब अवेलेबल है। और जो आपने डायमंड कट एलॉय व्हील जैसे एक रिंग देखी है, वो भी हमारे पास व्हील कैप अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो टाटा के ओरिजिनल एलॉय व्हील्स तो लगवा ही सकते हो। और एक और खुशखबरी है कि अगर आप और मॉडिफिकेशन जैसा लुक्स चाहते हो तो हमारे पास कम से कम 40 डिज़ाइन ऐसे एलॉय व्हील्स के हैं जो आप अपनी टाटा पंच को लगा के एक रोड पे अलग ही प्रेजेंस कर सकते हो, ताकि आपकी जो गाड़ी है सबसे अलग और जगदम्बा कार एक्सेसरीज प्रेजेंटिंग आपको देखने को मिले। बात करना चाहेंगे साइड प्रोफाइल ऑफ द कार से, तो साइड प्रोफाइल से कार जो है वो कुछ इस तरीके से एलिगेंस लुक आप लोगों को देखने को मिलती है। हमने 4 डोर्स में सन कंट्रोल फिल्म लगाई हुई है विद द रिफ्लेक्शन वाली, आप देख सकते हो यहाँ हमारा जो फेस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ ही में इसमें 70% हीट रिएक्शन भी मिलता है। डोर वाइजर्स लगाए हुए हैं विद द क्रोम लाइन के साथ और पंच के प्रॉपर आए हुए हैं जो ग्लॉस ब्लैक फिनिश विद द क्रोम लाइन के साथ। लोअर विंडो गार्निश हम लोगों ने उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लगाई है, ताकि डोर वाइज़र के साथ ये वाली बॉर्डर भी परफेक्टली मैच हो जाए। और इसी के साथ पूरा जो डोर होता है अपना, उसको सेव करने के लिए हम लोगों ने जो डोर साइड मोल्डिंग्स भी इस बार लगाई हुई है ना दोस्तों, वो साइड क्लैडिंग कहलाई जाती है। साइड क्लैडिंग का पर्पस ये होता है कि फुल ऑफ द डोर को प्रोटेक्ट करना। जो हम लोग डोर साइड मोल्डिंग लगाते हैं वो छोटे आते हैं, लेकिन ये जो डोर साइड प्रोटेक्टर आते हैं वो फुल वन पीस में आते हैं। और साथ में इसका कलर भी परफेक्टली मैचिंग और पंच के बैजिंग के साथ ये जो साइड मोल्डिंग है ना, ये जो टाटा पंच का साइड प्रोफाइल फुल एनहांस कर देती है। जब आप कार लेकर आते हो तब आपको सिर्फ ये नॉर्मल वाली कीज़ मिलती है। लेकिन जब आप जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे आते हो तो मैं हर बार आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप मेड इन इंडिया का आरडी का सेंटर लॉक इंस्टॉल करवा लो, ताकि आपको दो रिमोट्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग विद द फ्लिप की के साथ। जो रिमोट्स आते हैं सीधा परफेक्टली वर्क करते हैं, नो कोई वारंटी इश्यू नहीं होता है, 3 इयर्स की वारंटी है। लॉक करेंगे तो कार के चारों डोर लॉक हो जाएंगे, अनलॉक करेंगे तो 4 डोर्स ओपन हो जाएंगे। सो ये बेस्ट क्वालिटी का सेंटर लॉक सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। चाहे टाटा पंच का कोई भी वेरिएंट हो या फिर बलेनो हो कि या कैरेंस हो, हर कार में ये वाला सेंटर लॉक हम लोग लगा सकते हैं। तो इस बार जो हमने प्लग एंड प्ले वाले बल्ब लगाए हो वो ड्यूटी फ्री के 150 वाट के जो मैंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किए थे वडोदरा में, वही इंस्टॉल किए हुए हैं। 1 ईयर्स वारंटी के साथ तो आते हैं, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है, इसके नाइट मोड मैंने खुद ड्राइव किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और एज ए कस्टमर भी सब लोगों ने बहुत सजेस्ट किया है। ये जो लाइट्स का थ्रो है ना, वन ऑफ द बेस्ट है। मैं आपको डिपर करके भी दिखाऊंगा। वैसे डे टाइम का टाइम है इसलिए अभी तो पता नहीं लगेगा, लेकिन नाइट में इसके थ्रो बहुत पावरफुल आते हैं। और हमने इसमें DRLs भी इंस्टॉल की हुई है, डे टाइम रनिंग लाइट। इसका पार्किंग बल्ब भी अभी चेंज हो जाएगा, और फॉग लाइट के जो बल्ब है वो भी वाइट LED करने वाले हैं। सो वो भी हम लोग इसमें चेंज करने वाले हैं। और जैसे ही दोस्तों आप डोर को ओपन करते हो तो वेलकम्स का प्लेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ब्लू लाइट वाले, जो आपने मेरे नाइट मोड में देखे हुए हैं। रियर के डोर्स में भी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, ताकि साइड ऑफ 4 पीस में स्क्रैच का प्रोटेक्शन मिल जाए और एक एनहांसिंग लाइट भी आपको देखने को मिले। फ्लोर लेमिनेशन मैट्स इस बार हम लोगों ने नहीं की हुई है, लेकिन जो 7D मैट की हुई है इंस्टॉल, वो ब्लैक स्टिचिंग वाली की है। ब्लैक GT लाइन कॉन्सेप्ट के साथ हमने मैच करना था, इसलिए ऑटोटेक की फुल ब्लैक 7D इसमें इंस्टॉल की हुई है। और जो 7D मैट्स भी है विद द ग्रास मैट के साथ है, परफेक्टली बकेट फिटिंग होता है। कई लोगों का कंफ्यूज बहुत होता है कि फ्लोरिंग करवा लूँ तो 7D मैट लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं। आपको अपनी मर्जी के और बजट के हिसाब से आप कोई भी मैट्स इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फ्लोर लेमिनेशन मैट करवा के ऊपर 7D लगवा सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो सिर्फ 7D लगवाना भी बहुत प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें दोनों मैट्स तो आपको देखने को मिलती ही है, और 2-4 हज़ार तो मैट्स में खर्चा हो ही जाता है। सो दोस्तों हमने जो फ्रंट ग्लास में भी सन कंट्रोल फिल्म इंस्टॉल की हुई है, ताकि आगे से भी आपका जो डैशबोर्ड है वो गर्म ना हो, और हीट रिएक्शन आपको कम से कम 50% हीट रिएक्शन मिल जाए। और साइड प्रोफाइल से भी आप देखोगे तो फुल रेज रिजेक्शन वाली जो सन कंट्रोल फिल्म आती है वो हमने इसमें इंस्टॉल की। बात करना चाहेंगे इंटीरियर ऑफ द कार की, तो हमने इंटीरियर में सीट कवर्स जो हम लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं ना दोस्तों, ब्लैक GT लाइन कॉन्सेप्ट के साथ किए हुए हैं। जो सेल्टोस कार में डिज़ाइन आता है वो आपको टाटा पंच में हम लोग दे रहे हैं। इसके एक एक थ्रेड वर्क देख सकते हो। जैगुआर ब्रांड ही इस सीट कवर को बनाया हुआ है। ऐसी हैवी मशीन के साथ जब सीट कवर बनता है तो एक अलग ही प्रीमियम फील आता है। साथ ही हम लोग एक प्रोफेशनल फिटमेंट के साथ करते हैं, ताकि जो स्टिचिंग वगैरह भी है वो परफेक्टली एज टू एज हो जाए। अगर आप चाहो तो इसको बकेट फिटिंग भी करवा सकते हो, लेकिन हमारा स्टिचिंग वाला भी परफेक्ट फिटिंग आता है। स्टेयरिंग कवर को भी आप देखोगे तो जो स्टेयरिंग कवर है विद द जिगजैग स्टिच वर्क के साथ है, ब्लैक विद द रेड लाइन कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप प्योर मैग्नेट लेते हो तो स्टीयरिंग कंट्रोल बटन भी हमारे पास मिल जाता है, जो एकदम बेसिक सा मॉडल होता है उसमें। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार से भी मैं आपको फिटमेंट चेकआउट करवा देता हूँ कि किस तरीके से आई हुई है। सो टोटली ऑल ओवर जब गाड़ी के अंदर आप बैठते हो, बाहर से कार को देखते हो, फुल ऑफ लग्जरियस कार हम लोगों ने सर को डिलीवर की है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि और टाटा पंच में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जगदम्बा कार एक्सेसरीज से। तो दोस्तों आपने देखा कि टाटा पंच को हमने किस लेवल पे मॉडिफिकेशन किया। और अब बात करना चाहेंगे ओनर ऑफ द कार मनोज भैया से, जो हमारे वहाँ बहुत दूर से आए हुए हैं। पूछ रहे कहाँ से आए सर, आप कहाँ से आए? अंकलेश्वर से हमारे वहाँ जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा पे आए हुए सर। सर आपको सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और आपकी ये दोनों कीज़ जब आप लेके आए थे गाड़ी तो बेसिक सी चाबी थी, लेकिन हमारे वहाँ से आपको एक फ्लिप वाली रिमोट और एक नॉर्मल रिमोट अच्छा दे रहे हैं हम लोग आपको। और एक हमारे तरफ से आपको सोनी लैक्स का 3-in-1 कार चार्जर भी गिफ्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको सब काम वगैरह कैसा लगा, और जो हमारी बातें हुई थी आपके साथ उस तरीके से आपको जो वर्क है वो मिला कि नहीं मिला अपने शॉप पर? यहाँ जगदम्बा में आया मैं अंकलेश्वर से बड़ौदा, और यहाँ जो काम करवाया अच्छी तरह पूरा फिटिंग अच्छी तरह करके दिया है, और अच्छा सेटिस्फेक्शन है। यहाँ हर वर्क में हर बंदा पूरा इंटरेस्ट लेके काम करता है। परफेक्ट ना बाकी गाड़ी कैसी है? जो सर आए थे तो कई चीज़ों में कन्फ्यूज़ भी थे, हमने अपने तरफ से भी गाइड किया। कि सर ये नहीं क्रोम किट लगवाओ, हाईलाइट नहीं हो। सो इस हिसाब से हमने जितना हो सके अपना पर्सनल टच देके और सर के गाइडेंस के हिसाब से और दूसरी भी हम लोगों को काम ऐसे अच्छे मिले उस हिसाब से हमने वर्क डन किया हुआ। आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगे या कोई गाड़ी के बारे में आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर शो हो रहा है, आर के नाम है मेरा 9137325387 और यहाँ पे अभय का नंबर है 9722356913। आप हम दोनों में से किसी को भी व्हाट्सएप कॉलिंग या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जवाब ले सकते हो। बाकी हमारी शॉप बड़ोदरा में है। थैंक यू सो मच।